यहाँ पे क्या हुआ था कि गैस जो थी वो खत्म हो गई थी नई एसी की। यहाँ पे दोस्तों उसको खड़े रहने की ढंग से जगह नहीं मिल रही थी, तो ये वाला नॉब है इसके अंदर ही उसने ढंग से फिट नहीं किया था, तो सारी गैस जो थी ना नई एसी की वो निकल गई। ये करिए हमने थर्सडे मार्केट से शॉपिंग करनी, आपको एक एक प्रोडक्ट का विवरण देंगे। हाँ जी देखो, ये है हमारे एक्स्ट्रा सिक्स कप्स। हाँ जी, सिक्स हम पहले ही ले चुके हैं। ओके ठीक है। ये देखो सब्जियों के लिए हमने लिए स्पेशल अपने आर्टिस्टिक डोंगे। एक में चावल एक में सब्जी। ये हाँ। और डोंगे सुंदर सुंदर। We have color coordinated bowls. Oh. Okay. Then we have something for salads. One more thing for rice or maybe dal or something something. Then this is knife and spoon holder. One more knife and spoon holder. Yeah, we have Maggie bowls. Yay! Cool Maggie bowl. A variety. Because we are going to open Cloud Kitchen soon. Finally, we have this soup spoons. Only for 20 rupees. Chai ke liye, chai patti ke liye aur chini ke liye. कन्नी के मॉम के ऑफिस में कुछ सोफा वगैरह रखे हुए थे, सोफे कैबिनेट, तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो आंटी ने बोला तुम रखोगे क्या? मैंने कहा व्हाई नॉट, तो इसलिए यहाँ से अब हम सारा सामान लेके जा रहे थे नोएडा। नोएडा सोफा टेबल वेबल कैबिनेट वगैरह बढ़िया एकदम हमारा हो गया। इंतजाम टाइम दोस्तों ट्रक में बैठ रहे हैं। अंकल जी पहुंचाएंगे, अंकल जी हमें पहुंचाएंगे, ये हमारे अंकल जी हैं। पहले ही हमने कोक की बोतल, पानी की बोतल ले ली है ठंडी, अंकल जी को पिलाएंगे जिससे थोड़ा बढ़िया से पहुंचाएं। बढ़िया से पहुंचा दें अंकल जी। हाँ जी टेबल्स तो इनफ है भैया खाने पीने के लिए, अभी हमारी डिस्कशन चल रही है कि सोफे की सेटिंग जो है वो कैसी करी जाए, टेबल्स कहाँ रखे जाए। पहले इनकी पॉलिशिंग होगी तो हम कारपेंटर से इंस्पेक्शन करवाना चाह रहे हैं, और हमने अर्बन कंपनी से दो चीज़ें और अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। एक तो ये सोफ़ा देखो, ये सारा अच्छे से क्लीन होगा और दोनों बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग होगी। फाइनली अपना आरओ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, बढ़िया 9 लीटर कैपेसिटी है इसकी, कैंट आरओ है। कन्नी हमारी काम पे लग चुकी है, सारे बर्तन इसने धो दिए, चम्मचे वगैरह ग्लासे वगैरह सब धो दिए, परफेक्ट बहु मटेरियल। और ये हम प्याज टमाटर लेके आए हैं, और साथ में क्या लाए हैं कन्नी? अंजे वेज मेयो जीरो मैदा ब्रेड। और इन सब से हम क्या बनाएंगे? सैंडविच एंड फ्रेंच टोस्ट। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से भैया आ चुके हैं, वाईफाई का कनेक्शन भी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है भाई खाना पीना तो बाद में है, पहले वाईफाई है। ये हमारा नया कैंट आरओ है। बढ़िया डिस्प्ले, टीडीएस चेकर भी मिला है पता तेरे को? अभी दोस्तों सुबह कन्नी पता क्या कर रही थी, इधर आ जा मुंह इधर कर ले, ये बंद था और इसको बार बार खोल के कह रही थी यार पानी क्यों नहीं आ रहा आदि, पानी क्यों नहीं आ रहा। फिर जब मैंने देखा तो ये बत्ती खोलनी थी इसकी। ये दोस्तों देख लो अर्बन कंपनी की बढ़िया क्लीनिंग, ऐसे मस्त शाइन मार रहा है, ये पहले एकदम डल हो रखा था अब एकदम शाइन ऑरेंज, ये देखो निकल के आ रहा कलर। अभी देख रहे हैं बाथरूम की कैसी हालत हो रखी है, अभी
इंटेंस क्लीनिंग करी है कोनों कोनों की, और ये एग्जॉस्ट भी क्लीन हो गया, ऊपर भी क्लीनिंग करा दी है। दोस्तों जब आप नए घर में सारी फिटिंग्स, एसी फिटिंग्स और सब चीजें कराते हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे क्या हुआ था कि गैस जो थी वो खत्म हो गई थी नई एसी की, तो ये दोबारा आके, वारंटी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आके गैस भर के गए हैं, लीकेज भी चेक करके गए हैं। यहाँ पे दोस्तों उसको खड़े रहने की ढंग से जगह नहीं मिल रही थी, तो ये वाला नॉब है इसके अंदर ही उसने ढंग से फिट नहीं किया था, तो सारी गैस जो थी ना नई एसी की वो निकल गई। वो तो शुक्र है भाई वारंटी पीरियड में है, ये नट भी बढ़िया से कस गया और गैस भी भर के गया, और इस बार तो हमने सारा गैस का मीटर प्रेशर वगैरह सब चेक कर लिया। ये पीछे देखो फ्रिज आ गया नया एलजी का, एक बार खोल के पूरा दिखाएंगे। बढ़िया फ्रिज लिया तुम्हारे भाई ने, और अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए चाय ये इलेक्ट्रिक चूल्हे में, और कुछ ऐसे जेप्टो से मंगाया मैंने ये टॉप रमन करी, 6 अंडे, ये 0 मैदा ब्रेड, ये वाली ब्रेड खाया करो बहुत सही है, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं होता, तंदूरी मेयो, और अपना ये मैगी का हॉट एंड स्वीट, अपना कोहली भाई का भी फेवरेट है ये, और ये गार्लिक भुजिया। थोड़ा सा मैं काम कर रहा था, वाईफाई मैंने एयरटेल का लगवा लिया, तो 900 रुपये मंथली कटेंगे, 940 रुपये। जियो भी था और भी 2-3 लोकल ब्रांड्स थे, बट यहाँ के बंदों ने सजेस्ट किया कि एयरटेल फाइबर ले लो बढ़िया चलता है। तो अभी फिलहाल तुम्हारा भाई पिएगा मस्त काली चाय, अदरक थानी लौंग ही डाला है मैंने, और साथ में सोच रहा हूँ कि ब्रेड खाऊं या मैगी, तो हम तो हर एक चीज को मैगी बोलते हैं, ये टॉप रेमन मैं सोच रहा हूँ टॉप रेमन ही खा लेता हूँ। दोस्तों बना रहा हूँ करी दूजा। जब भी आप मैगी खा के बोर हो जाओ ना, एक बार ये टॉप रमन करी नूडल्स ट्राई कर लेना, मजा आ जाएगा। ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा। दोस्तों पानी उबल गया, अब इसमें डाल लेते हैं नूडल्स। पानी कम तो नहीं है, तो अब इसमें मैं मसाला डाल दे रहा हूँ। बहुत लोग मसाला पहले डालते हैं, बट मैं बाद में डालता हूँ, फिर मेरे को ज़्यादा फ्लेवर्स आते हैं। और इसको अपन ढक देते हैं, चाय अभी ढक के रख दी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को मैगी पहले बनानी चाहिए थी। वैसे ठीक ही है, चाय पहले बना ली मैंने, मैगी तो भी बन जाती है। अरे यार मैगी बोल रहा हूँ, करी नूडल्स, तो करी नूडल्स अभी बन रहे हैं, अभी 2-5 मिनट में बन जाएगा, मस्त अपना नाश्ता करेंगे। थोड़ी तो ग्रेवी रखूंगा, मजा आता खाने में। यार बुआन अपेटिटो, दोस्तों ज्यादा बना लिया।